इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 टीवी सीरीज के बारे में जिसे रिलीज किया गया था साल 2020 में। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर लीजिए, हम आपके लिए आगे और भी ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। इस लिस्ट में नंबर 10 पर है ड्रैकुला। हॉरर, सस्पेंस और मिस्ट्री के ऊपर बनी इस सीरीज को रिलीज किया गया था 1 जनवरी 2020 में। बात करें इस सीरीज की तो इस सीरीज की स्टोरी शुरू होती है ट्रांसिल्वेनिया से, जहां कुछ लोग ड्रैकुला को देखे जाने का दावा करते हैं। शहर में लोगों के गायब होने की खबरें आने लगी थी। अब इस मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी इस पूरे सीरीज में। इसके एक सीजन को अभी तक रिलीज किया गया है जिसमें टोटल 3 एपिसोड है। ये सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पे हिंदी में भी मिल जाएगी। इस सीरीज को IMDb पे 6.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। इस लिस्ट में नंबर 9 पे है द स्ट्रेंजर, जिसे रिलीज किया गया था साल 2020 में। ये एक मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज है। बात करें सीरीज की तो स्टोरी शुरू होती है एडम नाम के लड़के से, जिसके लाइफ में एक स्ट्रेंजर की एंट्री होती है और वहीं से उसकी लाइफ चेंज होना शुरू हो जाती है। वो अपने आसपास के लोगों के ऊपर संदेह करना शुरू कर देता है। एडम क्या लास्ट तक उस स्ट्रेंजर की मिस्ट्री सॉल्व कर पाता है नहीं, ये आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा। इस सीरीज को IMDb पे 7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। इस लिस्ट में नंबर 8 पर है इनटू द नाइट, जो कि एक साइंस फिक्शन थ्रिलर ड्रामा टेलीविजन सीरीज है। इसे रिलीज किया गया था 1 मई 2020 में। इसके एक सीजन में टोटल 6 एपिसोड्स हैं। ये सीरीज साल 2015 में आई एक नॉवेल के ऊपर बेस्ड है, जिसकी स्टोरी शुरू होती है प्लेन हाईजैक से, जहां हाईजैकर पायलट को बोलता है कि वो एक सुरक्षित जगह उनको ले जाना चाहता है। उसका कहना था कि सुबह होते ही सूरज की किरणें उन सबको मार देंगी। इसके पीछे की सच्चाई जानने के लिए आपको ये सीरीज जरूर देखनी चाहिए। इस सीरीज को IMDb पे 7.1 और रोटेन टोमेटोज पे 88% की रेटिंग मिली है। ये सीरीज नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। हमारी अगली वेब सीरीज है लॉक एंड की, जिसे रिलीज किया गया था 7 फरवरी 2020 में। इसके एक सीजन में टोटल 10 एपिसोड्स हैं, जिनकी रनिंग टाइम 37 मिनट्स की है। ये एक अमेरिकन सुपर नेचुरल हॉरर ड्रामा टेलीविजन सीरीज है जो बेस्ड है एक कॉमिक बुक के ऊपर। बात करें इसकी स्टोरी की तो ये बेस्ड है 3 सिबलिंग्स पे, जो अपने फादर के मर्डर को फॉलो करते हुए एक सुनसान पड़े घर में चले जाते हैं, जहां उन्हें ढेरों कमरे और उनकी अजीब चाबियों का पता चलता है। इसी घर में उनके फादर के मर्डर की मिस्ट्री छुपी होती है, जिसका वो पता लगाना चाहते हैं। इसे IMDb पे 7.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली। लिस्ट में हमारी अगली वेब सीरीज है टेल्स फ्रॉम द लूप, जो कि एक अमेरिकन साइंस फिक्शन ड्रामा वेब सीरीज है। बात करें इसके स्टोरी की तो ये सीरीज बेस्ड है एक ऐसे मशीन के ऊपर, जहां कुछ लोग अपनी लाइफ को लूप कर रहे पाते हैं। उनकी लाइफ एक एक्चुअल लूप में फंस जाती है। उसमें फंसे लोग अब उस लूप से कैसे बाहर निकलेंगे, इस सीरीज में इसी को दिखाया गया है। इसे IMDb पे 7.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और ये सीरीज Amazon प्राइम पे अवेलेबल है। लिस्ट में नंबर 5 पे है द आउटसाइडर। ये एक अमेरिकन हॉरर क्राइम ड्रामा टेलीविजन सीरीज है, जो बेस्ड है 2018 में आई स्टीफन किंग्स के नॉवल के ऊपर। इस सीरीज की स्टोरी शुरू होती है 11 साल के एक बच्चे के मर्डर से। इस मिस्टीरियस मर्डर के पीछे आखिर किसका हाथ है, ये पता लगाते हैं वहां के डिटेक्टिव्स। इसके एक सीजन में टोटल 10 एपिसोड्स हैं, जिसकी रनिंग टाइम है 60 मिनट्स। इसे IMDb पे 7.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है और ये Amazon प्राइम पे अवेलेबल है। हमारी अगली वेब सीरीज है राइज ऑफ एम्पायर ऑटोमन। ये एक टर्किश ड्रामा हिस्टोरिकल टेलीविजन सीरीज है, जो रिलीज की गई थी 24 जनवरी 2020 में। इसके एक सीजन में टोटल 6 एपिसोड्स है, जिसकी रनिंग टाइम 44 मिनट्स है। इस सीरीज में ऑटोमन थ्रोन के लिए हो रहे लड़ाई को दिखाया गया है। इसके VFX काफी रियलिस्टिक है और इस सीरीज में आपको GOT की झलक देखने को मिल जाएगी। ये सीरीज नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, आप वहां से इसे देख सकते हैं। बात करें इसकी रेटिंग की तो इसे IMDb पे 8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। इस लिस्ट में नंबर 3 पे है इजिप्शियन सुपर नेचुरल हॉरर ड्रामा पैरानॉर्मल, जिसे रिलीज किया गया था 5 नवंबर 2020 में। इसके एक सीजन में टोटल 6 एपिसोड्स हैं। ये सीरीज बेस्ड है एक अरेबिक नॉवेल के ऊपर, जिसकी स्टोरी शुरू होती है डॉक्टर रफेत इस्माइल से, जो कि इस सीरीज के लीडिंग कैरेक्टर हैं। पेशे से वो एक हेमेटोलॉजिस्ट हैं, जिनके साथ बहुत सी सुपर नेचुरल इवेंट्स घटी हैं। कैसे वो इन सब से पार पाते हैं, यही दिखाया गया है इस पूरे सीरीज में। ये सीरीज आपको Amazon प्राइम पे देखने को मिल जाएगी और इसे IMDb पे 8.2 और रोटेन टोमेटो पे 91% की रेटिंग मिली है।
इस लिस्ट में हमारी अगली वेब सीरीज है 000, जो कि एक इटालियन क्राइम ड्रामा टेलीविजन सीरीज है। ये सीरीज बेस्ड है ड्रग कार्टेल के ऊपर। इसकी स्टोरी शुरू होती है ड्रग शिपमेंट से, जहां एक शिप कोकेन स्मगल कर रही होती है साउथ अमेरिका से यूरोप के लिए। इस शिपमेंट के पीछे बहुत से माफिया लगे होते हैं जो उस शिपमेंट को पाना चाहते हैं, और वो इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसके एक सीजन में टोटल 10 एपिसोड्स हैं और ये आपको अमेजोन प्राइम पे देखने को मिल जाएगी। बात करें इसके रेटिंग की तो इसे IMDb पे 8.2 और रोटेन टोमेटोज पे 81% की व्यूअरशिप मिली है। इस लिस्ट में नंबर 1 पे है 2017 में आई क्राइम ड्रामा थ्रिलर ओजार्क, जिसके तीसरे सीजन को 2020 में रिलीज किया गया है। इसके तीनों सीजन में टोटल 30 एपिसोड्स हैं, 10 ईच। बात करें सीरीज की तो स्टोरी शुरू होती है मार्टी नाम के एक व्यक्ति से, जो अपने परिवार के साथ शिकागो में एक कैसीनो चला रहा होता है, लेकिन इसी बीच एक स्पेनिश किलर उसकी तलाश कर रहा होता है। उस किलर को मार्टी से क्या चाहिए और वो उसे क्यों मारना चाहता है, ये आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा। इस सीरीज को IMDb पे 8.4 और रोटेन टोमेटोज पे 81% की व्यूअरशिप मिली है।